हाय वेलकम टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं हूं राणा शेफ इंटरनेशनल और आज मैं बनाने लगा हूं आएंगे वाइट पास्ता। हाउ टू मेक वाइट पास्ता, वाइट पास्ता कैसे बनाया जाता है। बेसिकली ये जो पास्ते वगैरह हैं, ये सारे पिज़्ज़े वगैरह ये इटली से हैं। इटली से नाम इनको दिया गया क्योंकि वो है कदीम शहर जो है ना, कदीम लोग, इसलिए वहाँ से इन डिशों को लिया जा रहा है। और पिज़्ज़े और ये दूसरा जो पास्ते, ये काफ़ी क्वालिटीज में काफ़ी, अगर आप लोगों को पास्ते के नाम आते हैं मुख्तलिफ वगैरह, तो वो बॉक्स में, इन बॉक्स में लिखा करेंगे ये जो नाम आप लोगों को आते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। वाइट पास्ते की रेसिपी, मिल्क, ड्राई मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, आलमंड, कोकोनट, चीज़, क्रीम, पास्ता वन बोल, ड्राई मिल्क, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, कैरेट, कैप्सिकम, ड्राई मिल्क, चीज़, ये हम करें। अभी हम इसको बॉईल करने लगे हैं। वन कप पास्ता बॉईल फॉर 7 मिनट्स। इस तरह हमने इसको डाल दिया और ये गर्म पानी में हम इसको डालेंगे तो बिल्कुल जो है ये 7 मिनट में बिल्कुल सही बॉईल हो जाएगा। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते और आँच को हम लो कर देते हैं। अब हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। तब तक साथ हमने आलमंड लिया, आलमंड के हमने ये छोटे स्लाइस काटने हैं इस तरह छोटे छोटे, ताकि हम बाद में हम जो है वाइट पास्ते के ऊपर लगा सकें ऐसे ये। और माशाल्लाह ये देखो देखने में कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है। और इसी तरह ये वाइट पास्ता जो है ये आप लोग पसंद आएगा और बड़ा मज़े का ये वाइट पास्ता विद कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क इसमें नहीं डालते, कंडेंस्ड मिल्क तो बहुत मीठा होता है, ये चीज़ को डिलीशियस करता है। इसी तरह हमने जो है इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये टेस्ट आपको मीठा भी आएगा और साल्टी भी आएगा, डिलीशियस बनेगा माशाल्लाह, ज़बरदस्त डिश होगी। अब हम कैप्सिकम को क्यूब कटिंग करेंगे। कैप्सिकम ली और इसके हमने स्लाइस काटने हैं, स्लाइस के बाद फिर हमने इसकी क्यूब कटिंग करनी है इस तरह। ये बीज निकाल देने हैं और बीज सेंटर में से ऐसे आपने इसको सीधा काटा, फिर इस तरह इसके क्यूब बन गए इस तरह, अच्छे पीस बन गए। इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और ये देखो क्यूब्स भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इससे ये होगा कि हमारे वाइट पास्ते में ये इसकी खूबसूरती लगेगी। और इनके साथ ही कैरेट जो है, हम कैरेट के भी इसी तरह ही हम स्लाइस काटेंगे ना, तो पास्ते के अंदर ये देखने में एक तो इसकी लुक का एक खूबसूरत लगेंगे। इसी तरह हमने यहाँ से इसी तरह इनको सेंटर में ये बड़ा पीस था, इसको हमने इसकी तीन तह लगाई। अब हमने कैरेट दिया, कैरेट भी हम कटिंग करते हैं इस तरह। हमने कैरेट का स्लाइस बना लेने हैं ऐसे बिल्कुल। और आपने इस तरह जो है ना पीस को पकड़ना था कि जो नाइफ आपके हैंड पे ना लगे, फिंगर पे उस पर लग रही जब आप आगे करते हैं, तो अब ये हैंड के जो फिंगर हैं ये बैक साइड पे रखने के लिए करते हैं। जब हमने कटिंग हो गई इस तरह ये देखें, इसी तरह हमने इसके भी क्यूब बना लेने हैं। इसके ऊपर तय लगा लेंगे, तीन पीस इकट्ठे किए और इनको हमने ऊपर से ऐसे स्लाइस बना। अब ये देखें बिल्कुल क्यूब बन गए हैं कैरेट के जो है, बिल्कुल कैप्सिकम की तरह। और ये देखें कैरेट माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं पीस के ऊपर। तो उस दिन जो हमने बनाया तो उसकी कटिंग जो थी जिंजर कटिंग थी, और ये जो चिकन जलफ्रेजी में जो डिशेज बनती है उसमें क्यूब कटिंग बोलते हैं, तो ये वो क्यूब कटिंग है। तो अब ये देखें माशाल्लाह चीज़ें पड़ी कितनी खूबसूरत लग रही। तो हम इसको कोकोनट नारियल को हम क्रश कर, वो क्रश हम इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर लगाया जाएगा तो ये पाउडर बहुत खूबसूरत लगेगा, मतलब इसकी ब्यूटीफुल आएगी। अगर पास्ता अगर आपका डिलीशियस है, बहुत मज़े का है, तो इसकी लुक भी बाहर से ज़रा खूबसूरत होनी चाहिए, इसको देखने में भी खूबसूरत प्यार लगे। ऐसे आपने इसको क्रश कर लेना और इस तरह ये देखते हैं हमारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर, इनकी कटिंग से भी ये चीज़ें अपनी खूबसूरती होती है, जैसे कैरेट है, कैप्सिकम है, आलमंड है, और ये चीज़,
ड्राई मिल्क एवरीडे ये चीज़ें बड़ी अपनी और खूबसूरती हर चीज़ का अपना टेस्ट है, हर चीज़ों का अपना टेस्ट देते हैं। तो जब इन चीज़ों को मिक्स करके आपने नारमी मकदार में चीज़ों को, अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा अच्छा करके डाल दी तो वो उसका टेस्ट फिर ख़राब हो जाए। अगर नमक ज़्यादा डाल दिया तो काम ख़राब है, अगर चीनी ज़्यादा डाल दी आप जो चीनी की जगह हमने तो कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया तो काम ख़राब हो जाएगा, डिश ख़राब हो जाएगी। तो अब हमारे जो है 7 मिनट कंप्लीट हो गए, आफ्टर 7 मिनट्स हम इसको खोलते हैं और हम इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं। हम ये इस तरह जैसे चिप्स निकाल रहे हैं वहीं से इसको निकाल लेते हैं, इस चीले के ऊपर से ऐसे। ये बिल्कुल बॉयल हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल उसकी शक्ल बता रही है। तो जब ये बिल्कुल कच्चे थे तो बिल्कुल हार्ड थे, फेस बता देते हैं निकाल लिया। और ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी खूबसूरत आ रही है। ये अल्लाह ताला की खास करम नवाज रही है, इसने हमारे लिए कितनी कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, कितनी कितनी प्यारी चीज़ें पैदा की हैं जो इंसानों के खाने के लिए बनाई से बनाया खाओ ज़मीन की पाक चीज़ों से और करो काम बनाई। तो इस तरह अल्लाह ताला को कसरत से याद करना चाहिए। अब हम अपनी वेजिटेबल को फ्राई करेंगे, थोड़ा इसमें आयल डालेंगे, बटर लेंगे, बटर डाल के ये मैंने बटर को पिघला के रखा हुआ था, मेल्ट गया हुआ था, अब हमने ये बटर ले लिया। जो बटर जो है बटर के साथ थोड़ा सा गर्म होता, इसलिए अब हमने वेजिटेबल डाल दिया। इस तरह ये जो हमारे कैप्सिकम आ गई, कैरेट आ गई, ये हमने बीच में डाल देनी ताकि इसको हमने थोड़ा फ्राई कर लेना। ये अब 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाती है, ऐसे फ्राई करके अपनी इसकी लुक और खूबसूरत लगेंगी। तो इंशाल्लाह का जो है वाइट विद कंडेंस्ड मिल्क, ये माशाल्लाह बहुत देखने में भी खूबसूरत होगा और खाने में बहुत मज़े का होगा, ये रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। वाकई ये आप घर में इसी रेसिपी को बनाएंगे तो जस्ट टेस्ट बनेगा, इसलिए बनाएंगे। देखिए अब मैंने स्टिक, किसी की स्टिक की ज़रूरत नहीं होती, वैसे तो मैं फ्राई पैन में ऐसे चीज़ को वैसे ही इसकी साइड चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए इसकी रबर चेंज हो गई है, तो मैंने स्पून इसलिए लगाया कि आप लोग औरतें घरों में इससे बनाती हैं, स्पून से जो है ना स्टिक से लाती हैं। अब हमने मिल्क डाल दिया, मिल्क को हमने बॉयल करना है, फिर इसी को हम थोड़ा सा जो गर्म होता है इस पर फिर हम चीज़ डालेंगे और इसमें ड्राई मिल्क डालेंगे। उसको गर्म करने के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा जो हम मैंने बॉयल करके रखा उसके अंदर फिर इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये उसमें हल हो जाए और इसका टेस्ट भी है। और ये देखें हमारे पास खुशक दूध जो है हमने वो डाल दिया है, ड्राई मिल्क इसको थोड़ा सा हम पकाते हैं, गर्म करते हैं ऐसे। तो ये देखें माशाल्लाह वो कितना खूबसूरत लुक बन गई है, दूध भी प्यारा लग रहा है, हर चीज़ अपनी अपनी खूबसूरती दिखा रही है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी तो क्या माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त डिश बनेगी। अब हमने इसका चीज़ को डाल दिया, चार्टेड चीज़ ये इसमें हमने चीज़ को डाल दिया है। तो ये देखें ये पकने लग गई, अब ये थोड़ा सा पकने के बाद हमने फिर इसको डाल देना है बॉयल पास्ते के अंदर, फिर उसमें हमने दूसरी जो चीज़ें वगैरह हमने क्रीम डालेंगे ऊपर उसके गार्निश करेंगे, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोग घर में ट्राई करें। अब ये देखें हमारे पास जो बॉयल पास्ता पड़ा है, अब इसके अंदर हम वेजिटेबल को डालते हैं पहले ऐसे। ये देखें वेजिटेबल देखने में खूबसूरत लगने लग गई है, पिज़्ज़े में अपनी वो शक्ल बता रही है जो उसकी अपनी है खूबसूरती है, ऐसे डाल दिया हमने इसको। तो ये देखें अब हमारे पास ये जो दूसरी चीज़ें पड़ी हैं, अब हमने वो इसके अंदर उनको मिक्स कर देना है। ये जो बॉयल मिल्क आ गया हमारे पास, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। इसके अंदर चीज़ डाली थी हमने, ड्राई मिल्क डाला हुआ था और फ्रेश मिल्क था, तीनों को हमने डाल दिया। और देखो ये माशाल्लाह कितनी लुक कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बोल मैंने बड़ा लिया हुआ, इसके बाद नॉर्मल में डालेंगे। अब हम इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, ये देखें क्रीम डालेंगे। तो अब ये शक्ल इसकी माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत
बन गई है। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क 2 स्पून डालेंगे, ये बहुत मीठा और मज़ेदार और डिलीशियस होता है। तो ये देखें, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे और ये आप लोगों के सामने है कि किस तरह कितनी खूबसूरत डिश लग रही है। ये देखें, अगर आप लोग घर में इनको ऐसे ही बनाएं मेहमानों के लिए, कभी कभार आप ज़रूर इसको टेस्ट करें, ख़ुद भी मेहमानों के लिए ये डिश बनाया करें। वाइट पास्ता जो है ये बहुत मज़े का और ज़बरदस्त है, इसमें स्वीट का टेस्ट भी और नमकीन टेस्ट भी है, दोनों टेस्ट हैं। अब ये देखें, लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब हम इसको नॉर्मल बॉल में डालकर उसके ऊपर फिर गार्निश करेंगे बादाम की, नारियल की। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, हर चीज़ मिक्स आई है, हर स्पून, ये देखें माशाल्लाह। और दूध भी मारा, ये देखें बीच में दूध भी मारा, जो थिक गाढ़ा सा वो भी साथ नज़र आ रहा है। ये नहीं कि ये बिल्कुल खुशक ही हो गया है, ये बिल्कुल आप लोगों के सामने जो है नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपने बॉयल करना है, यही आपने रेसिपी बनानी है। तो अब हम इसको बॉल के ऊपर ये जो दूध वगैरह चीज़ें ये डाल लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह, हमारा ये जो मीडियम बॉल है वो भर गया है। ये देखें, स्वीट के लिए तो बॉल मीडियम ही होते हैं। अब हमने जो हमारे पास क्रश होता है, हमने आलमंड लगाया, तो कोकोनट पाउडर वो लगाएंगे, और ये किशमिश लगाएंगे, ये जो सूखे अंगूर होते हैं ये वो लगा दिया हमने। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसमें माशाल्लाह मैंने काफ़ी मेहनत भी की है, और आप लोग कमेंट करके बताएं जो जो भी आप लोगों को पास्ते के नाम आते हैं तो वो ज़रूर इसमें लिखें। ये बेसिकली इटालियन डिशेज़ हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट डिश में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।